मंगल एक कार्यक्रम में मीटिंग में। ठीक है भाई साहब, मैं बाहर लिखा, मैं बाहर लिखा। हाँ, जो सुबह के आपके हमारे भी तैयार होंगे और वहाँ पे भी आप आएंगे, आपसे बात कर लेंगे, आपका नंबर दिए होंगे। आप हम यहाँ चल रहे हैं, आठ पंप वहाँ बीच में भी चल रहे हैं, सब देखिए 12 पंप रनिंग में है और 2-3 लग रहे हैं। संतरा जिला भैया पीछा बाढ़ में जितना पानी गंगा जी का बढ़ा था उसके बाद अब घटना शुरू हुआ है, बहुत तेज़ी से घट भी गया है। अब एक तरीके से हम लोगों का काम अब शुरू हुआ है कि स्लज और जितने मिट्टियाँ इकट्ठी हो जाती हैं बाढ़ से, उनको हटाने का काम हमारे नगर निगम का है। इसके साथ साथ सफाई व्यवस्था, फॉगिंग, छिड़काव, एंटी लार्वा का छिड़काव भी शहरों में हर जगह हो रहा है। आज यही निरीक्षण हम लोगों ने रखा था कि ये पंप लगा करके जो मिट्टियों को हटाया जा रहा है वो जल्द से जल्द हटे, ताकि गंगा आरती में कोई अड़चन ना आ पाए। दर्शनार्थी जितने आते हैं वो 80 घाट जरूर आते हैं घूमने के लिए, तो हम लोग की कोशिश है कि उनको जल्दी से जल्दी सुविधा दे सकें। मैम कितने पंप लगे हैं यहाँ? कम से कम नहीं तो 12 पंप लगे हुए हैं अभी इधर इधर 80 घाट और रविदास घाट को लेकर के। नहीं, 80 घाट पे ही 12 पंप लगे हैं। इसके अलावा इन्होंने मणिकर्णिका, राजेंद्र प्रसाद घाट, शीतला घाट, नमो घाट और खिड़किया घाट और ये कौन सा घाट था, ये दशा सुमेध के अलावा एक और कौन सा, हाँ हरिश्चंद्र घाट, सभी घाटों पे इन्होंने अपने पंप लगवा करके सफाई अभियान शुरू हो गया है। अभी तक 50 पंप लग चुके हैं और आगे भी जैसी स्थिति बनती है लोग जल्द से जल्द सफाई कराने की कोशिश करेंगे। लक्ष्य जितनी जल्दी गंगा माता साथ दें उतनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन हम लोग दिन रात काम करवा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी दे सके। हमें लग रहा है कि 2 दिन के अंदर हम लोग फिर पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। मैं सहायक नगर आयुक्त हूँ बेलपुर जोन में। सर किस तरह का सफाई अभियान चल रहा है और क्या है यह? आप जैसा कि जानते हैं कि भीषण गंगा में पानी आने के कारण हमारे 84 घाट डूब गए थे और जब पानी गंगा में नीचे गया तो काफ़ी मात्रा में 6-12 इंची की सिल्ट जमा हो गई, तो उन सिल्टों की सफाई के लिए रात दिन पंप चल रहे हैं, 50 पंप लगे हैं, जेटी मशीन लगी है। परसों नगर आयुक्त अपनी पूरी टीम के साथ महोदय आए थे, हम लोग भी आए थे निरीक्षण करने। हमारे साथ नगर स्वास्थ्य की टीम थी, जेई थे, जलकल थे, जीएम थे और हमारे साथ सफाई अधिकारी भी थे, इंस्पेक्टर भी थे और आज फिर महापौर हमारी मेयर जो हैं मृदुला जायसवाल जी आई हैं, हम उनके साथ हैं, उनको मैंने भ्रमण कराया है पूरा, वो इस कार्य से संतुष्ट हैं। 2-3 दिनों में ये पुनः घाट अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त करेगा, गंगा आरती होगी और दर्शनार्थी इसका लाभ लेंगे। किन किन घाटों पर गई हैं महापौर जी? अभी तो 80 घाट पर आई थी और अभी हम लोग उनको लेके चल रहे हैं, दशाश्वमेध घाट जाएंगे, रविदास घाट जाएंगे, नमो घाट जाएंगे, मणिकर्णिका घाट जाएंगे, तमाम घाट जो फेमस घाट हैं जहाँ दर्शनार्थी तर्पण करते हैं,
नहाते हैं, नावों से जाते हैं, उन घाटों पर हम आज दिन भर जाएंगे, विजिट करेंगे, जो कमियां होगी संबंधित को निर्देश देंगे। किस संस्था द्वारा ये सफाई कराया जा रहा है? अब ये संस्था का पूरा नाम तो मैं नहीं जानता, संजोग से मेरे, लेकिन जो भी संस्था है रेपुटेड संस्था है, कई सालों से कार्य कर रही है। जगह जगह जल जमाव है और डेंगू के खतरे बढ़ रहे हैं। हाँ, जहाँ जहाँ जल जमाव पाया गया, जैसे विकास कॉलोनी है, रविंद्र विकास कॉलोनी है, जैसे सुंदरमपुरम है हमारा, जैसे बर्नोपाल की कई कॉलोनी है, जहाँ खाली प्लॉटों में जल जमाव है, तो उन जल जमावों को कल 12 पंप लगा के खाली करा दिया गया है, ताकि डेंगू की बीमारी न फैले, चिनगुनिया न फैले, वायरस न फैले, इन सब के लिए नगर निगम 24 घंटा तैयार है। तो छिड़काव भी कराए जा रहे हैं? हाँ, फॉगिंग के लिए हमने एंटी लार्वा और ब्लीचिंग का छिड़काव लगातार जारी है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।